बिग बॉस 13 के घर में एक ऐसी जोड़ी है जो आए दिन लड़ते भी रहते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते नजर आते हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे हम किस जोड़ी की बात कर रहे हैं। ये जोड़ी है सिद्धनाथ की, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर के की। हमने देखा कि हाल ही में जब से फैमिली वीक स्टार्ट हुआ है तभी से दोनों के बीच में फिर से नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। दोनों ने जो अपने बेड्स अलग अलग कर दिए थे दर्शिका, और फिर से दोनों साथ में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हमने एक प्रोमो सामने आया है जिसमें देखा इन दोनों की फिर से वो क्यूट सी केमिस्ट्री जिसके लिए लोग तरस रहे थे, और वो आज हमें देखने को मिलने वाली है। हाँ, अभी एक प्रोमो आया है जिसमें बहुत ही मतलब जो टास्क चल रहा है, तो शहनाज इस टास्क से आउट हो जाती हैं और वो घर के बाहर रहती हैं, और दूसरी तरफ सिद्धार्थ होते हैं तो वो कहते हैं कि तुझे मेरी याद नहीं आ रही। बहुत क्यूटली मतलब इस तरीके से वो बातें करते हैं कि अच्छा लगता है देख के अपने आप ही, मतलब उनकी बातें सुन के और जिस तरीके से वो करती है शहनाज, तो वैसे ऑटोमेटिकली हंसी आ जाती है। तो शहनाज जाके बोलती है कि तू मुझे मिस नहीं कर रहा है, तो वो अंदर से वो जो गेट सा खुला होता है छोटा सा होल, हाँ, तो उस होल से बाहर निकल के उससे बातें कर रहे होते हैं सिद्धार्थ। उसके बाद वो कहती है कि मुझे किस चाहिए, तो उसमें बहुत मतलब एक बच्चा जैसे बोलता है कि मुझे किस दो अभी दो, और कसम देके वो कैसे भी करके वो सिद्धार्थ से किस ले लेती है। तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे वो दोनों उस टाइम पे। तो यही अभी प्रोमो आया है कि जिस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन दोनों की जोड़ी की बात करें तो सिद्धार्थ और शहनाज हमेशा से ही लड़ते आए हैं, फिर थोड़े देर बाद मना लेते हैं। लेकिन पहले की काम चली की जोड़ी, हाँ, जैसे पहले ऐसा देखा गया था कि बार बार शहनाज मनाती थी सिद्धार्थ को और वही उनके पास जाती थी, और वो उनकी शिकायतें भी ये थी कि तू तेरे पास ही मैं आती हूँ और तू नहीं मुझे मनाता, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे से। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है काफी टाइम से ये चीजें देखने को मिल रही है कि जैसे शहनाज गुस्सा हो जाती है, अभी जब फैमिली वीक आने से पहले जो इनकी लड़ाई हुई थी बेड अलग अलग कर लिए थे, उस टाइम भी सिद्धार्थ ने उन्हें मनाया था और सिद्धार्थ उनके पास गए थे उन्हें हग करने, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इधर आ जा, फिर उन दोनों ने बातें भी की थी और बहुत ही क्यूट लग रहे थे वो उस टाइम भी। और अभी भी जैसे उनकी, मुझे ऐसा लग रहा सिद्धार्थ उनकी तरफ बहुत ज्यादा मतलब इतनी तो मुझे नहीं लगता वो किसी की बात भी मानते होंगे। जैसे आरती सिंह ने भी बोला था कि मैंने सिद्धार्थ का ये रूप पहली बार देखा है कि ये बहुत अग्रेसिव है लोगों से, मतलब इतनी जल्दी किसी के लिए झुकना, मतलब हर बात में हाँ ठीक है ठीक है। जो सिद्धार्थ शुक्ला उनका डोमिनेटिंग नेचर भी है, जिस तरीके से सभी को घर वालों को भी करते नजर आते, लेकिन जहाँ शहनाज की बात आ जाती है वहाँ तो वो पिघल ही जाते हैं। मतलब उनका ऐसा लगता है कि हाँ अभी वो 26 वाली एज में आ गए हैं और शहनाज के साथ एकदम वैसे क्यूट दिखते हैं बहुत ज्यादा। अब बार बार लोग बोलते हैं कि इनकी एज में गैप है और इतना इतना बड़ा है ये ऐसा है, लेकिन दोनों को साथ में देख के बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता कि एज गैप कोई मैटर करता है इसमें, और जिस तरीके से इनको देखा जाता है लोग भी बहुत एक्साइटेड होते हैं दोनों को साथ में देखने के लिए। और जब इनकी लड़ाइयाँ हो जाती है तो मतलब घर में ऐसा लगता है कि एक तरफ सना बैठ के रो रही है, एक तरफ सिद्धार्थ अपना अपसेट है और वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते, उन्हें इफेक्ट होता है। जैसे सलमान ने बोला था कि तुम मतलब ये तुमसे प्यार करने लगे तुम इससे दूर रहो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सलमान की भी बातें अब वो नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि सलमान ने इतना समझाया था, उसके बाद भी बार बार सना की सारी बातों को मानते हैं, वो कसम देती हैं तो कसम देने पर उन्होंने किस भी कर दिया और हमेशा उनके पास रहते हैं, हर टाइम उन्हें मनाना, लड़ाई झगड़ा इनका जो होता है बहुत ही क्यूट लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को हमेशा ऐसे साथ रहना चाहिए। वेल गाइस, आपको कैसी लगती है सिद्धनाथ की जोड़ी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।